हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मेंडल के डायहाइब्रिड रेशियो के बारे में। वहां पे हमने आपको क्ल्यूज दिया था, ओके, ट्रिक्स दी थी। अगर आपको मेंडल के मोनोहाइब्रिड रेशियो के बारे में भी पता होगा, मोनोहाइब्रिड वो फिनोटिपिक हो या जीनोटिपिक हो, समझो मोनोहाइब्रिड फिनोटिपिक क्या है, 3:1, ओके, रेशियो ये 3:1 है। तो आपको अगर डायहाइब्रिड का निकालना है तो आपको खाली ये करना है 3:1 × 3:1, ओके, ये ब्रैकेट को अगर सॉल्व करते हो तो आपका डायहाइब्रिड का रेशियो आएगा। अगर ट्राईहाइब्रिड का निकालना है तो आपको इतना ही करना है, ये तीन ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ओके, आपका आ गया ट्राईहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। अभी जीनोटिपिक रेशियो का वैसे ही हमने आपको ट्रिक्स दिया था, 1:2, 2:1। अगर ये मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो है तो डायहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो कैसे आप निकाल सकते हैं, 1:2:1 × 1:2:1, ये आपको ब्रैकेट खाली सॉल्व करना है, वैसे आपका ट्राईहाइब्रिड का ऐसा निकाल सकते हैं। ये हमने आपको लास्ट टाइम ट्रिक दिया था। अभी इस टाइम हम डिस्कस करने वाले बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में। अभी बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस एक्चुअल है क्या और इसकी क्या जरूरत है। अभी अगर आपने वर्ड देखे टेस्ट क्रॉस इट मींस असेसमेंट, टेस्ट मींस असेसमेंट, ओके। बैक क्रॉस, बैक जाना, पीछे जाना, पीछे जाके देखना, ओके। अगर आपको ये मीनिंग भी समझ में आ गए तो आप इसको, ये रेशियो को या ये कंसेप्ट को इजीली दिमाग में रख सकते हो। टेस्ट क्रॉस पीछे जाना है और बैक क्रॉस पीछे जाना है और टेस्ट क्रॉस आपको असेसमेंट करना है, ओके। अभी देखो यहाँ पे हम कैसे आपको समझाते हैं ये कंसेप्ट। लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने क्या किया है, दो पेरेंट्स लिए, वन इज फीमेल अनदर वन इज मेल, ये सही नेम मेल और फीमेल का। दूसरा उसके पास, उसके बाद हमने एक कैरेक्टर कंसीडर किया था, समझो हमने कैरेक्टर ले लिया। एक हाइट के बारे में हम देख रहे हैं, हाइट में अभी फिनोटाइप हमारे दो ट्रेट आएंगे, कौन से दो ट्रेट आएंगे, समझो ये टॉल एंड डॉर्फ, ये दो ट्रेट आ गए हमारे हाइट में। अभी इसका जीनोटाइप क्या आएगा, जीनोटाइप जो हमने लिखा था कैप्स टी स्मॉल टी, ये आ गया इसका जीनोटाइप। तो हमने यहाँ पे आपको बोला था F1 जनरेशन जो आता है, ओके, यहाँ पे एक कैप्स टी आता है यहां से और एक स्मॉल टी आता है, और ये जो जनरेशन आता है इसका जो फिनोटाइप आता है वो होता है टॉलनेस, ओके। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने यहाँ पे देखा था, तो F1 में क्या आ गया, टॉल आ गया। अभी F2 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे F2 में जो सेकंड फिलियल जनरेशन है, तो यहाँ पे हमने ऐसा किया था, तो क्या किया, इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे क्रॉस किया और इसको इससे क्रॉस किया भी। तो समझो यहाँ पे आपका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या है, जो हमने देखा है ऑलरेडी, यहाँ पे आपका आ गया टॉल, ये दूसरे में भी आपका आ गया टॉल, ये तीसरे में भी आपका आ गया टॉल और चौथे में आपका आ गया डॉल। अभी हम टेस्ट क्रॉस क्या करते और क्यों करते, हमने क्या बोला आपको, यहाँ पे ये आ गया टॉल है लेकिन ये प्योर टॉल है, ओके, होमोजाइगस टॉल है। यहाँ पे ये हाइब्रिड आ गया, यहाँ पे ये आ गया हाइब्रिड आ गया, ओके। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, समझो जो जीनोटाइप है डोमिनेंट एक्सप्रेशंस के, कौन से जीनोटाइप आते हैं डोमिनेंट एक्सप्रेशन के, यहाँ पे अगर एक कैरेक्टर कंसीडर किया तो ये कैप्स टी वाला आता है और दूसरा कैप्स टी स्मॉल टी वाला आता है, ओके। ये हो गया टॉल डोमिनेंट एक्सप्रेशन, हमने यहाँ पे टॉल कंसीडर किया है, कौन सी जीनोटाइप आ रहा है, कैप्स टी स्मॉल टी। अभी दोनों जीनोटाइप आते हैं लेकिन हमें अगर ये जीनोटाइप, ओके, यहाँ पे आ गए लेकिन अननोन जीनोटाइप अगर हमने ये कंसीडर किए, ओके, हम बोल रहे हैं टॉल है लेकिन टॉल कौन सा है, ये टॉल है या ये टॉल है, अगर हमें ये जानना है, ओके, अगर ये अननोन जीनोटाइप के बारे में हमें जानना है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं टेस्ट क्रॉस, ओके। अभी हम यहाँ पे टेस्ट क्रॉस करने वाले, आपको ये पता होना चाहिए अगर हमें अननोन जीनोटाइप के बारे में जानना है, समझो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, टॉल वाला लिया है, टॉल लिया है, ओके, एक ट्रेट लिया है, तो यहाँ पे टॉल के दो जीनोटाइप हो गए कैप्स टी, दूसरा हो गया कैप्स टी स्मॉल टी। एक्चुअल में ये कैप्स टी वाला टॉल है, दैट इज प्योर होमोजाइगस टॉल है, या कैप्स टी स्मॉल टी वाला टॉल है, दैट इज
हाइब्रिड हेट्रोजाइगस वाला टॉल है, अगर हमें ये समझना है, अगर इनके बारे में जानना है, तो हमें करना पड़ेगा टेस्ट क्रॉस। अभी बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस ओके, F1 जो आता है ओके, F1 आता है तो इनके साथ या इनके साथ या तो डोमिनेंट के साथ या रिसेसिव के साथ इसको क्रॉस किया जाता है ओके। बैक यहां से पीछे चलो ओके, पीछे चले तो बैक क्रॉस आएगा। दोनों में से एक पेरेंट्स पेरेंट से हम इसको क्रॉस करते तो उसको हम बोलते बैक क्रॉस। अभी टेस्ट क्रॉस क्या है यह हम आपको बोलेंगे सिखाएंगे। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 जो आया है उसको खाली आपको रिसेसिव से क्रॉस करना है, इसको हम बोलते टेस्ट क्रॉस। और F1 जो आया है उसको आप रिसेसिव या डोमिनेंट दोनों से क्रॉस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस ओके। खाली टेस्ट क्रॉस में इससे खाली रिसेसिव को ही क्रॉस करना है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। कैसे आप हम आपको दिखाने वाले हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया है पी प्लांट का। पी प्लांट के कौन से कैरेक्टर के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है? कलर के ओके। अभी जो कलर है डोमिनेंट फिनोटाइप है वो है वायलेट या पर्पल, और दूसरा है फिनोटाइप जो रिसेसिव है वो है व्हाइट ओके। तो यहाँ पे समझो फिनोटाइप ले लिया, ये जीनोटाइप ले लिया कैप्सार कैप्सार ओके, यहाँ पे आ गया स्मॉलर स्मॉलर। तो जैसे हमने देखा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में यहाँ पे आ गया F1 हाइब्रिड, जो F1 है वो क्या है वायलेट आता है। अभी F2 में अगर हमें क्या आता है, इससे यहाँ पे सेल्पिंग करने से बेटर है अगर हम टेस्ट क्रॉस करेंगे ओके। सेल्पिंग को अल्टरनेट करना है तो आप टेस्ट क्रॉस करके भी समझ सकते हो यहाँ पे क्या आएगा। अननोन जीनोटाइप के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे, तो समझो अभी ये F1 जो है उसको हमने अगर ये व्हाइट से क्रॉस किया तो क्या आता है ओके। व्हाइट क्या है, रिसेसिव पेरेंट है, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 को रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करना है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो अभी यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं देखो ओके, ये हो गया आपके फीमेल, ये मेल, यह हमारा आ गया F1 ओके। यहाँ पे हम किससे क्रॉस कर रहे हैं, रिसेसिव पेरेंट से। यहाँ पे रिसेसिव क्या है, आर आर ओके, स्मॉल आर स्मॉल आर। अभी इस इनको अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, कैप्स आर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर कैप्स आर, ये ऐसा आएगा। और चौथा क्या आएगा, स्मॉल आर यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे दो क्या आ गए हमारे, दो आ गए हमारे रिसेसिव। तो आर आर क्या आ गया हमारे पास, व्हाइट ओके। दो व्हाइट आ गए, कितने आ गए व्हाइट हमारे पास, दो व्हाइट आ गए। दूसरा क्या है, ये कैप्स आर स्मॉल आर है, कैप्स आर स्मॉल आर। ये क्या आ गया हमारे पास, वायलेट ओके। वायलेट कितने आ गए हमारे पास, दो ओके। तो यहाँ पे ये रेशियो क्या आ गया, 2:2 इज इक्वल टू 1:1। तो टेस्ट क्रॉस रेशियो क्या है मेंडेल का मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, 1:1। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है सीईटी में या नीट में, मेंडेल के मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो के बारे में अगर उन्होंने पूछा तो आपको ये ध्यान में ही रखना है 1:1। यहाँ पे हमने आपको बोला है ये कैसे 1:1 आता है। समझो हमने अगर यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट लिया तो क्या आएगा रेशियो हमारा, यहाँ पे हम करके देखते हैं इसको भी। F1 को अगर हम डोमिनेंट से क्रॉस कर रहे तो क्या आता है, यह आ गया हमारा F1 ओके। ये F1 आ गया और डोमिनेंट क्या है हमारे पास, कैप्सार कैप्सार, यहाँ पे फीमेल मेल ओके। तो अगर आप यहाँ पे क्रॉसिंग कर रहे हो तो कैप्सार कैप्सार, यहाँ पे कैप्सार स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल कैप्सार कैप्सार, कैप्सार स्मॉल आर। यहाँ पे आप देखोगे अगर डोमिनेंट से हम इसको अगर क्रॉस करते तो यहाँ पे आ गया हमारा वायलेट, यहाँ पे आ गया वायलेट 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 ओके। ये चारों के चारों 50% यहाँ पे क्या आते हैं, होमोजाइगस, और 50% यहाँ पे क्या आ गए, हेटरोजाइगस, दैट इज हाइब्रिड ओके। यहाँ पे ये प्योर एंड हाइब्रिड आते हैं। यहाँ पे ये क्या आता है, हमें दो व्हाइट मिलते हैं, दो वायलेट मिलते हैं ओके। तो आपका रेशियो क्या आया, 1:1। ये हो गया बैक क्रॉस, जैसे हमने बोला आइदर F1 को आपको दोनों में से एक पेरेंट क्रॉस करना, उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस क्या है,
F1 को आपको रिसेसिव पेरेंट से ही क्रॉस करना है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, और उसका रेशियो आता है 1:1। ओके, अननोन जीनोटाइप अगर आपको समझना है तो आप इंस्टेड ऑफ सेल्पिंग यू कैन डू टेस्ट क्रॉस। ओके, और ये टेस्ट क्रॉस का रेशियो आता है। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, मेंडल की डायहाइब्रिड, मेंडल की टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस के बारे में यहाँ पे हमने देखा। ओके, थैंक यू।